देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, आयनिक यौगिक और कोवेलेंट यौगिक यानी सहसंयोजी यौगिक, इन दोनों के बीच अंतर पढ़ा। और इसके पहले ही आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड साथ में कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने तीनों तरह के बॉन्ड पढ़ लिए। अब इन्हीं बॉन्ड्स के माध्यम से किसी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां जो हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल, क्योंकि ये लुईस वाले सिंबल पढ़ रहे थे ना अभी तक, तो लुईस सिंबल हमको बनाना है। लुईस सिंबल किनके किनके बनाना है, अभी तक हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे थे ताकि हमको ये समझ में आ जाए सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, ये हमको समझ में आ जाए। बस इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे थे। अब हम क्या करते हैं, हो सकता है इनके साथ साथ कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी ले ले। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कई हो सकते हैं, तो हम इस तरह के इस बार एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो लिखे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं यहां एग्जाम्पल में, या कोई आयंस भी हम ले सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह के एग्जाम्पल लेंगे। और इनके कुछ ऐसे रूल्स में हैं जो मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप चाहे तो उन्हें लिख सकते हैं, आपको लगता है लिखना, अन्यथा धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। नोट कर लिया, चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए मैं यहां आपको जो पहले बता चुका था H2 बता चुका था ना, आपको इसे नहीं लिखना, H2 बता चुका था। इसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। मैं आपको O2 बता चुका था, इसको भी नहीं आपको लिखना है, इसके और इसके बीच कौन सा बॉन्ड होता है। आपको N2 भी बता चुका था, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, अलग से कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि जिनमें दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं या एलिमेंट्स कई भी हो जाए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला हम लेते हैं वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का बनना। अब वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक जो आपके आ रहे थे एग्जाम्पल दो दो एटम वाले होते थे, अब यहां पर आ गए वाटर। इस वाटर के फार्मूला को देख करके आपको लग रहा है कि हमको पहले कौन से एटम को अरेंज करना चाहिए, किसे लिखना चाहिए। तो लिखने का जो मैं तरीका बताया था कि किसको लिखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मान लीजिए कई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे सेंटर में लिखना है, और उसे कहा जाता है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, पहला। दूसरी बात, दूसरा इसमें क्या है कि उसको हम सेंटर में रख सकते हैं जिसके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि अपने चारों तरफ कई एटम्स को जोड़ने की क्षमता रख रहा हो। ये वही रख सकता जिसकी कई वैलेंसी होगी, जैसे इधर एक वैलेंसी, इस साइड एक वैलेंसी, या इस साइड एक वैलेंसी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी होगी उसे हमें कहां रखना है, सेंटर में रखना है। तो मैं यहां दो तरह के एलिमेंट अभी देख रहा हूं, एक एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों है, दोनों हाइड्रोजन के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा एलिमेंट का नाम क्या है, ऑक्सीजन। मैं अभी इनका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, धीरे धीरे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन रट जाएगा, किसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आपको कोई आवश्यकता नहीं, यदि आता है तो। अभी मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, हाइड्रोजन के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डुप्लेट रूल फॉलो करना पड़ेगा कि ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, क्योंकि वही नजदीक है। तो डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए इसके पास कितने की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, शब्दावली समझना, जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसका मतलब वह उतने का ही साझा करेगा, अर्थात उसकी बैलेंसी, कोवैलेंसी वही मानी जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, दो और यहां छह होता है,
परमाणु क्रमांक 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? तो ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दो इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ दिखाता है, अर्थात दूसरी तरफ संकेत देता है कि मैं इतने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पर ले आया ऑक्सीजन, हो गया, ऑक्सीजन रख दिया सेंटर में रखा, क्यों? क्योंकि इसकी सहजकता दो है, एक तो ये, दूसरा यदि कई एटम होते हाइड्रोजन को मैं सेंटर में रख देता तो हाइड्रोजन की तो बैलेंस एक ही है ना, तो सिर्फ एक तरफ से जुड़ जाता, इधर से थोड़े ना जोड़ पाता, इसलिए हम उसको नहीं रखेंगे, सेंटर में इसको रखेंगे। अब एक तरफ आप यहां रख दीजिए हाइड्रोजन और एक तरफ यहां रख दीजिए इस हाइड्रोजन को, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किनारे वाले एटम के बारे में समझना, पहले किनारे वाले एटम आपको इंडिकेट करेंगे, इशारा देंगे। ये हाइड्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दिखाएगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये ध्यान रखना, टर्मिनल एटम को पहले बताना है, ठीक है। तो टर्मिनल एटम एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिखा दिया, तो ऑक्सीजन ने देखा कि ये तो मेरी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो मैं भी इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। लेकिन ऑक्सीजन की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देने की है? दो इलेक्ट्रॉन की, एक अभी इसके पास अभी चांस और है। इसने देखा कि ये वाला हाइड्रोजन मेरी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो मैं भी उसके बदले में कितने दिखाऊंगा? एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के दिखाने वाले इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अब दो तो दिखा दिए, छह में से दो दिखा दिया ना, बचे कितने? चार। तो दो आप ऊपर रख दीजिए और दो नीचे रख दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन अपना सर्किल कंप्लीट करेगा, ये हो गया, ये हाइड्रोजन अपना सर्किल कंप्लीट करेगा। पहले किनारे वाले हाइड्रोजन, किनारे वाले एटम के सर्किल कंप्लीट करना, यह भी ध्यान रखना, पहले किनारे वाले एटम के सर्किल कंप्लीट करना है और बीच वाले को बाद में करना है। तो जो बीच वाला ऑक्सीजन है इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी साझा करेगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा ना कि जब तुम्हारा काम था तो मैंने अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिए थे, तुम्हारा काम था मैंने तुम्हें दिए थे, आज मेरा काम है तो मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स को ले आऊंगा, ठीक है, साझा करूंगा। इस तरह ये बना हुआ बांड है, इसको हम क्या बोलेंगे? H, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कौन सा बांड? यहां पर, ठीक है, ये H2O बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां, लोन पेयर बोलते हैं इसको, कितने लोन पेयर वाटर में हो गए? लोन पेयर को और क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं ना। तीन वाटर को हो गए, बना लीजिए इसे, ठीक है। तो देखो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया है डॉट के माध्यम से, तीन लुईस सिंबल कहलाएगा, मतलब ये कहलाएगा लुईस स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? लुईस स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी बंध संरचना, बंध संरचना। और लुईस स्ट्रक्चर मतलब लुईस संरचना, लुईस वैज्ञानिक का नाम है इसलिए उसकी हिंदी नहीं लिखेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, तो NH3 मॉलिक्यूल में हमें फॉर्मेशन करना है, तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं। एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे? 2 and 5, 7 होता ना एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन हाइड्रोजन है, तीनों का कॉन्फिगरेशन सेम होगा, तो मैं यहां लिखूंगा 1। चलिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है? जितने की कमी होती है, तो यहां कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ये कितने की कमी रख रहा है? तीन इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या पूरा करने के लिए? ऑक्टेट को पूरा करने के। जितने की कमी होती है उतने ही ये दिखाएगा, ठीक है, जितने की कमी उतने ये दिखाएगा। अब मैं सेंटर में बताए किसे रखूंगा? नाइट्रोजन को, तो मैं यहां नाइट्रोजन रख देता हूं। नाइट्रोजन ने अपने मोहल्ले में ये बता दिया कि मेरे पास 5 कुर्सियां हैं, समझना इस चीज को, 5 कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियों में से मेरे पास 3 कुर्सियां अतिरिक्त हैं, और मोहल्ले में किसी के भी घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है
उसके घर में यदि गेस्ट आ रहे हैं तो टेंट जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे 3 कुर्सियां ले सकते हो जब भी आपका काम पड़े, मेरे पास 3 कुर्सियां हमेशा अतिरिक्त रहती हैं। यह बात किसने कहा? नाइट्रोजन ने कहा, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने कहा कि भाई हमारे घर में तो एक ही कुर्सी है, लेकिन हम हमसे कोई भी यदि मांगता है तो हम उस कुर्सी का अनुदान कर लेते हैं, हम अपने घर में चबूतरा बनवाए हैं वहां बैठ लिया करेंगे, ठीक है। वो एक कुर्सी का भी योगदान करने को तैयार है कि जब मोहल्ले वाले हमें देने को तैयार हैं तो हम भी एक कुर्सी कम से कम किसी को दे सके। क्लियर? अब देखो सिस्टम उस मोहल्ले का ये था कि जो जितनी चीज देता था दोबारा उसको उतना ही मिलना था, ये सिस्टम था मोहल्ले में। ऐसा नियम बनाया गया था कि तुम मुझे यदि एक कुर्सी दो तो जब भी तुम्हारा काम पड़े तब भी मैं तुम्हें एक ही कुर्सी दूंगा। कुर्सी का एग्जाम्पल मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि अधिकतर जैसे मोहल्ले में कभी कार्यक्रम होता है कोई तो अतिथि आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगल बगल के घर से लेकर के कुर्सी इकट्ठा कर लेते हैं ना जितनी हमको आवश्यकता होती है। उसी तरह देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के घर में कोई गेस्ट आए, आज हाइड्रोजन को 2 कुर्सियों की आवश्यकता है, तो इसने नाइट्रोजन को बताया भाई मेरे पास 1 कुर्सी है, जब भी तुम्हारा काम पड़े मुझसे 1 कुर्सी ले सकते हो, और आज मेरा काम है मुझे 2 कुर्सियों की आवश्यकता है, एक मेरे पास है, चाहो तो तुम मुझे 1 दे सकते हो। इसलिए मेरे पास तो योगदान करने के लिए, किसी से साझा करने के लिए, हेल्प करने के, मेरे पास तो 3 कुर्सियां हैं, लेकिन मैं सिस्टम क्या था मोहल्ले का कि जो जितना देगा उतना ही उसको हमें देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिखाया तो इसके रिस्पेक्ट नाइट्रोजन ने कहा कि ठीक भाई तुम्हारा आज काम है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो, मतलब ये कुर्सी ले सकते हो। यही बात इस हाइड्रोजन ने इससे कहा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तब मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कुर्सी, ठीक है। अब यहां है इलेक्ट्रॉन मतलब कुर्सी, एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ने देखा कि मेरी और ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो मैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, अर्थात मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो नाइट्रोजन भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाता है। अब इसके पास कितने बचे, 2 बचे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया तो 2 इसके पास परमानेंट बचे रहते, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे मोहल्ले में इसके चलते रहते, पूरे मोहल्ले में ये 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता रहता है। अब देखो जब भी हमें सर्किल कंप्लीट करना है, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है तो सबसे पहले किसके वाले एटम को करते हैं, टर्मिनल मतलब किनारे वाले एटम, तो ये हो गया आपका किनारे वाला एटम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे, ये हो गया। अब आज नाइट्रोजन का काम है, नाइट्रोजन के घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास कितनी कुर्सियां हैं, 5 है ना, उसके घर में 8 लोग आ रहे हैं तो उसको ध्यान आया कि इस हाइड्रोजन के घर में मैं एक बार 1 कुर्सी दिया था, मैं जब चाहूं उसके घर से 1 ले लूंगा, इसके यहां से 1 ले लूंगा, इसके यहां से 1 ले लूंगा, और उनसे कहा उन्होंने इसको दिया, मतलब इसके पास साझे के टोटल कितने हो गए, आज इसने इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया तो टोटल कितने हो गए इसके सर्किल में, 8। तो यहां पर जो बांड बना इस तरह लिखेंगे इसे, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, यहां पर ये सिंगल बांड बना, यहां सिंगल बांड और ये सिंगल बांड, ये लोन पेयर NH3 बन गया, ठीक है। कल हम इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे।